अगर आपका भी कुछ मीठा खाने का मन है और आप कुछ अलग बनाने का सोच रहे हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में। तो देखते हैं कि बेसन का हलवा कैसे बनाया जाता है। तो बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक छोटी कटोरी बेसन, लगभग 100 ग्राम, और इसमें उतना ही घी डालेंगे जितना कि बेसन था। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको घी में अच्छी तरह से भूनना है। घी डालने के बाद इसे ऐसे चलाते हुए भूनना है और गैस को यहाँ पर मीडियम रखना है, जिससे कि बेसन अच्छी तरह से भुन जाए और जले ना। तो इसे ऐसे ही लगातार चलाते रहना है जब तक कि अच्छी तरह से नहीं भुन जाता। तो अब थोड़ी देर चलाने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेसन। तो इसे ऐसे ही लगातार चलाते रहें। तो ऐसे ही कुछ देर और चलाने के बाद ये थोड़ा बंधना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये एकदम से बंधना स्टार्ट हो गया है और घी थोड़ा इसके ऊपर चमकने लग गया है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। मतलब यही स्टेज है कि ये बेसन अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इसमें दूध डालने की बारी है। तो अब इसमें डालना है 2 कटोरी दूध। तो अब इसमें जाएगा 1 कटोरी दूध, और दूध को डालने के बाद जैसे ही आप चलाएंगे ये दूध गायब हो जाएगा। ये देखिए, सारा दूध बेसन ने सोख लिया है। धीरे धीरे करके ऐसे ही सारा दूध सोख लेता है ये बेसन। अब इसे थोड़ा चलाना है और इसके बाद इसमें फिर 2री कटोरी दूध भी डालना है। लगभग 20 सेकंड के अंदर ही सारा दूध इस बेसन ने सोख लिया है। तो अब इसमें 2री कटोरी भी दूध डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिलाना है दोबारा से, और इस दूध को भी ये बेसन 1 मिनट के अंदर अंदर इसे भी सोख लेगा ये। तो ऐसे ही इसे चलाते रहें जिससे ये नीचे चिपके ना। स्टेज पर आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत टाइट ये करछी चलती है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसे चलाने में। तो ऐसे ही इसे नीचे से छुटाते हुए ऐसे चलाना है जिससे ये नीचे चिपके ना और दूध अच्छी तरह से इसके अंदर मिल जाए। ऐसे ही ये सारा बेसन दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये कढ़ाई से अपने आप ही अलग होने लग जाएगा और मेहनत भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अब डालनी है इसमें चीनी। तो यहाँ पर चीनी मैंने बेसन का पौना हिस्सा लिया है, तो आप भी उसी अंदाजे से चीनी डालें इसके अंदर। और चीनी डालने के बाद चीनी को अच्छी तरह से मिला लें, क्योंकि जब तक चीनी मेल्ट नहीं होगी इसमें अच्छी तरह से मिलेगी नहीं। तो इसे कम से कम 1 मिनट तक मिलाएं जिससे कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट होकर इसके अंदर मिल जाए। अब डाला है मैंने इसमें इलायची पाउडर। आप चाहें तो इलायची को क्रश करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं छिलका हटा के। तो इसे भी अच्छी तरह से मिला लें। अब मैं डाल रहा हूँ 6-7 बादाम कूटे हुए, 6-7 काजू कटे हुए और 8-10 किशमिश। अब इनको भी अच्छे तरह से मिला लें, और आप चाहें तो अपने मनपसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को मिलाने के बाद अच्छी तरह से आपका बेसन का हलवा बनकर एकदम रेडी है। तो अब हलवे को गर्मा गर्म सर्व करना है, और अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इससे गार्निश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कुछ पिस्ते कटे हुए, और ये कुछ काजू हैं इसके ऊपर लगाने हैं, और बेसन का हलवा एकदम खाने के लिए रेडी है।
तो ये थी आज की बेसन के हलवे की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।